हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इस नेम रिएक्शन सीरीज का नेक्स्ट रिएक्शन देखने वाले हैं, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें कि ये किसके लिए यूज होता है, तो ये होता है बेसिकली हमारा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एमीन। ओके, 1 डिग्री एमीन। अब आइए हम इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा हम रिएजेंट यूज करते हैं, रिएक्टेंट क्या होता है और कैसे रिएक्शन होती है। देखिए, तो देखिए सबसे पहले जब हम एमाइड मींस RCONH2 की रिएक्शन कराएंगे, किससे? ब्रोमीन से, प्लस 4 मोल्स हम लेंगे एल्कोहलिक KOH का, और इसको जब हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन RNH2 प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है हमारा 1 डिग्री एमीन। ओके, एंड आई होप आपको ये रिएक्शन तो क्लियर हो गई होगी, लेकिन अब कंफ्यूजन होता है कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमें कहां से मिला, ये वाला हाइड्रोजन है या फिर जो हमारा एल्कोहलिक KOH का है वो वाला हाइड्रोजन है। तो चलिए इसके लिए हम देखते हैं और क्लियर करते हैं कि ये हमारा जो 1 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन मिला है हमें वो कहां से मिला। ओके, तो देखिए जब हम एमाइड मीन्स RC(ONN)H2 के रिएक्शन किससे कराएंगे? एल्कोहलिक KOD से प्लस Br2। अब देखिए हमने यहां पे क्या लिया हाइड्रोजन की जगह पे? ड्यूट्रॉन। तो हमें क्या मिलेगा यहां पे? अब हमें मिलेगा यहां पे RnD2। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमारा जो ये हाइड्रोजन हमें मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है हमें? ये हमें मिल रहा है जो एल्कोहलिक KOH हमने लिया है वहां से। कैसे पता चला? जब हमने एल्कोहलिक KOH की जगह पे हमने KOD लिया, तो हमें जो ये एमीन मिला है वो मिला हमें RnD2, मतलब हाइड्रोजन की जगह पे हमें ड्यूट्रॉन मिल गया है। आई होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए हम इसके स्टेप्स देखते हैं रिएक्शन की, कि रिएक्शन स्टेप वाइज स्टेप होता कैसे। तो आइए अब हम इस रिएक्शन के जो स्टेप्स हैं उसको देखते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, जब हम एमाइड मींस RC(ONH2) की रिएक्शन ब्रोमीन से कराएंगे, Br2 से, तो यहां से क्या होगा कि एक जो ये हमारा हाइड्रोजन है वो एक Br के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेगा HBr, और ये जो ब्रोमीन है वो NH से ऐड होके फॉर्म करेगा NHBr, बनाएगा क्या हमारा N ब्रोमाएमाइड। ओके, RC(ONH)BrN(Br)ब्रोमाएमाइड। तो ये हमारा है फर्स्ट स्टेप। अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें कि सेकेंड स्टेप में रिएक्शन क्या होगी, तो होता है कि जो हमारा HBr है वो किससे रिएक्ट करेगा? KOH से। ओके, और फॉर्म क्या करेगा? KBr प्लस H2O। ठीक, अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या होगा कि हमारा जो N ब्रोमाएमाइड है वो किससे रिएक्ट करेगा? KOH से। थर्ड स्टेप में क्या होगा? RC(ONH)Br N ब्रोमामाइड रिएक्ट करेगा KOH से, और फॉर्म क्या करेगा? एसिल नाइट्रीन RC(ONH)। और यहां पे हमारे एक लोन पेयर और दो लोन पेयर हो गए, प्लस H2O वाटर को फॉर्मेशन करेगा। ये हुआ हमारा थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा? जो हमारा फॉर्म हुआ है एसिल नाइट्रीन वो क्या करेगा? इसका रीअरेंजमेंट होगा, RC(ONH) का रीअरेंजमेंट होगा। तो ये क्या फॉर्म करेगा? RN
CO। देखिए यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है वो रीअरेंज होके कार्बन का पोजीशन ले लेगा और जो CO है वो नाइट्रोजन की जगह पे चला जाएगा, ठीक। और ये फॉर्म करेगा हमारा एल्किल आइसोसाइनेट, ठीक। अब देखिए ये जो हमारा रीअरेंजमेंट है उसको हम क्या कौन सा रीअरेंजमेंट बोलते हैं, कर्टियस रीअरेंजमेंट, ओके रीअरेंजमेंट, ठीक। अब देखिए जो हमारा लास्ट स्टेप है इस रिएक्शन का, उसमें क्या होगा कि जो हमारा जो आर एन सी ओ है एल्किल आइसोसाइनेट वो 2 moles ऑफ KOH से रिएक्ट करेगा और फॉर्म क्या करेगा, आर एन एच टू प्लस के टू सी ओ थ्री, ठीक। देखिए अब जो हमने ये डिटेल में स्टेप्स जो रिएक्शन की पढ़ी वहां से हमें क्या पता चला कि जो हमने 4 moles KOH के लिए है वो कहाँ कहाँ यूज हुए हैं, ओके। अब हम इसके अगर इंटरमीडिएट्स की बात करें कि कौन कौन से इंटरमीडिएट्स मिले हमें ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, तो हमारा जो फर्स्ट इंटरमीडिएट है वो है हमारा आर सी ओ एन एच बी आर, ये हमारा फर्स्ट इंटरमीडिएट है। सेकेंड है हमारा आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एल्किल नाइट्रीन, और थर्ड जो है हमारा आर एन सी ओ एल्किल आइसोसाइनेट, ठीक। आई होप आप सबको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और डिटेल में रिएक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी चीजें कहाँ पे कैसे यूज हो रही हैं और हमें जो हमारा जो 1 degree एमीन में हाइड्रोजन है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आइए इसी के साथ हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है CH3 C double bond O NH2, ओके। जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं Br2 से प्लस एल्कोहलिक KOH से तो हमें क्या मिलेगा, CH3NH2, ओके। आई होप आपको फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या हमारा, C2H5 C double bond O NH2। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, Br2 से प्लस KOD एल्कोहलिक, ठीक। अब देखिए यहां पे जो D है हमें पता है कि हमारा जो एमीन है उसमें जो हाइड्रोजन है वो एल्कोहलिक KOH से या फिर KOD से जाएगा, ठीक। तो यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हमारा C2H5ND2। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नई वीडियो में नई रिएक्शन के साथ। थैंक यू।